दो दशक पहले मैकडोनल्ड्स के गुजरात में परवेश ने गुजरातियों के टेस्ट बर्ड के लिए फ्रेंच फ्राइज को पेश किया। इसके लिए अब गुजरात से आलू जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल में देवदार में बनास डेयरी द्वारा शुरू किए गए अत्याधुनिक आर्ट पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करने के बाद घरेलू डेयरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमूल ने अमेरिका और कनाडा को आलू के स्नैक्स विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज का निर्यात करना शुरू कर दिया है, स्पेशली जो फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स और फ्रोजन फूड कंपनी मैकेन के लिए। इस साल के दौरान उत्तर प्रदेश 31.26% उत्पादन हिस्सेदारी के साथ प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश क्रमशः 23.29%, 13.22%, 7.43% और 6.20% हिस्सेदारी के साथ हैं। गुजरात में तीन कंपनियां मैकेन फूड्स, इस्कॉन बालाजी फूड्स और हाइफन फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट है जो फ्रोजन आलू उत्पादों का उत्पादन करते हैं और इसका निर्यात भी करते हैं। ये फर्म न केवल फ्रोजन आलू उत्पादों के प्रमुख निर्यातक बल्कि भारत के प्रमुख बर्गर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट श्रृंखलाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात देश के कुल आलू उत्पादक का महज 7.43% ही पैदा करता है, फिर भी वो फ्रेंच फ्राइज का सबसे बड़ा निर्यातक बनने में कामयाब है। भारत 2007 में 6000 मीट्रिक टन फ्रेंच फ्राइज आयात करता था, लेकिन 8 वर्षों के भीतर हम दूसरे देशों से आयात करने वाले से निर्यातक बन गए। 2020 तक गुजरात ने निर्यातक में एक बड़ी छलांग लगाई। 2020 में भारत में फ्रोजन आलू उत्पादों के बाजार ने लगभग $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य प्राप्त कर लिया।